नाम पठान। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। और आज हम बात करने जा रहे हैं किंग खान, ग्लोबल सुपरस्टार शाहरुख खान के बारे में। ये था आमिर अंसारी के स्टाइल में, अंदाज में। आप सबको पता है आमिर अंसारी के बारे में, मूवी अपडेट्स देते हैं, बहुत सारे मूवीज देखते हैं, उनको इनसाइड सोर्सेस के बारे में बहुत सारे न्यूज पता है, अपडेट्स देते रहते हैं। और जहां तक उनके अपडेट्स का सवाल है, 100% वो वेरीफाइड होते हैं, 100% वो ट्रू भी होते हैं। तो क्यों ट्रिब्यूट टू आमिर अंसारी जी। और इसके बाद हम मैं बात करने जा रहा हूं, ठीक है, उसके पहले इंट्रोडक्शन हो जाए दोस्तों। सो हे एवरीवन, वेलकम टू पर्दा लाइव, दिस इज मी अनय कुमगन। और आज मैं बात करने जा रहा हूं, बहुत ही हटके टॉपिक है, बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है, क्योंकि लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ऐसा कोई वीडियो मैं कर सकता हूं और ऐसा कोई वीडियो मैं कर पाऊंगा। क्योंकि आज तक मैंने शाहरुख खान के बारे में बहुत सारे बातें की हैं मेरे चैनल में और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स में और मेरी जिंदगी में। ही इज़ एन इंस्पिरेशन मोर देन एनीथिंग, ही इज़ माई रोल मॉडल एंड ही इज समवन आई लुक अप टू। जो कुछ भी हो, अगर वो कमबैक करते हैं या नहीं करते हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी डन इनफ टू इंस्पायर मी एंड ही हैज़ ऑलरेडी बीन समवन हुम आई कॉल माई आइडल एंड ही इज समवन whom I respect a lot. So leaving all those things aside, मैं आज जो बात करने जा रहा हूं, बवाल मचा दिया है दोस्तों, बवाल, एकदम फायर फायर फायर। हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा थम्स अप, यस थम्स अप का एड, थम्स अप टेस्ट द थंडर। अक्षय कुमार करते थे, सलमान खान करते थे, महेश बाबू, रणवीर सिंह, इन सबको पीछे छोड़ दिया है शाहरुख खान ने। यस, एसआरके हैज लेफ्ट अ ग्रेट इंपैक्ट। वो जो लॉन्ग हेयर का जो लुक है ना, लोग बोलेंगे कि डॉन 2 की याद आ गई, लोग बोलेंगे रेस की याद आ गई, मैं तो बोलूंगा यादें सब छोड़ दो दोस्तों, अभी पठान आने वाला है, ये एक नई यादगार फिल्म बन जाएगी। और पठान का जो प्रोडक्शन वैल्यू है ना, वो इस एड से ना 10 गुना क्या, 15 गुना क्या, 20 गुना ज्यादा होगा। मैं वाकई में कह सकता हूं, मैं इतना क्लियर हूं और मैं इतना श्योर हूं कि ये भी पठान का कोई डिलीटेड सीक्वेंस ही होगा, इतना तो मजा आया। लेकिन थम्स अप का जो एड का प्रोडक्शन वैल्यू है ना, पॉइंट ऑन पॉइंट, लगता नहीं है कि कोई सेट में बनाया, लगता नहीं है कि बहुत सारे ड्यूब्स को यूज किए, लगता नहीं है कि इतना सारा एक्शन सीक्वेंस की जरूरत थी, लेकिन इतने कम समय में इन्होंने इतना मजेदार एड बनाया ना, क्यूडोस टू दैट क्रिएटिविटी, क्यूडोस टू दैट एक्शन टीम, एक्शन कोरियोग्राफी जिसने भी किया है ना, क्यूडोस टू देम, सिनेमाटोग्राफी ऑन पॉइंट। बट लेट मी बी वेरी फ्रैंक, मैं बहुत ही बड़ा फैन हूं शाहरुख खान के पेप्सी एड्स के लिए, ओए बबली आजा बबली जीना यारा बबली, वो एड्स अभी भी मन में है, बहुत ही मजा आता था। उसके बाद शाहरुख खान ने स्प्राइट का एड किया था, तो स्प्राइट पी स्प्राइट, वो वाला भी बहुत मजा आया था। बहुत सारे ऐड करते हैं वो, डिश टीवी का करते हैं, उसके बाद हुंडई, हुंडई का एसोसिएशन था आप सब लोग जानते ही हैं, मोर देन 22 to 23 ईयर्स आई थिंक ही इज बीन एसोसिएटेड विथ हुंडई। देन कमिंग टू टॉक अबाउट विमल, विमल इज समथिंग विच आई एम नॉट प्राउड ऑफ एज अ फैन ऑफ एसआरके, बट ओके, इट्स अ सरोगेट एड एंड यू नो दैट एवरीवन इज डूइंग राइट नाउ इन बॉलीवुड, सो इट्स समथिंग लाइक अ ट्रेंड सेटिंग ad which was started by Ajay Devgan, so let's leave that. But coming to talk about thumbs up ka jo ad, the way SRK jumps, the way SRK shows his what do you say, charisma, charm, or you can say that walk with sunglasses, ekdam maza aa gaya dosto, aisa lag nahi raha hai ki ye aadmi ne flop film bhi diya hai kya, 4-5 saalon mein ye aadmi flop film mein dekh ke aisa इतना कॉन्फिडेंस के साथ कोई बंदा खड़ा रह सकता है क्या, इतना कॉन्फिडेंस था उनके वो इशारों में, उतना मजा आया ना देख के। आई थिंक हिज एक्सप्रेशंस, ही इज टेलिंग मैं आ रहा हूं दोस्तों, आप लोग कोई चिंता मत करो, मैं मेरा कमबैक मैं ही दूंगा और मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ कॉन्टेंट की जरूरत है। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, पठान इज अ फिल्म डायरेक्टेड बाय सिद्धार्थ आनंद आफ्टर डायरेक्टिंग टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन इन वॉर, उसके बाद ही इज डायरेक्टिंग डायरेक्टली पठान। सो पठान इज अ फिल्म, इट इज गोइंग टू बी अ फुल ऑन ब्लॉकबस्टर फिल्म, लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू, बिकॉज
शाहरुख खान रिजेक्टेड अराउंड 25 स्क्रिप्ट्स. यस, ही रिजेक्टेड अराउंड 25 स्क्रिप्ट्स फ्रॉम सम ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स इन आवर कंट्री. सो दैट्स अ माइंड बॉगलिंग एंड अ माइंड ब्लोइंग फैक्ट जो बहुत सारे लोगों को पता भी है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है, क्योंकि इट्स एन इनसाइड सोर्स. पीपल लाइक हिमेश मांकड़, आमिर अंसारी, इन्होंने मुझे बताया था. सो लेट मी बी वेरी क्लियर एंड वेरी फ्रैंक दैट जब भी ये फिल्म पठान अनाउंस होगी, आज का जो माहौल था ना उससे कई गुना बहुत मजा आने वाला है. इतना मजा आने वाला है ना, लोग डीपी बदल देंगे. आज भी बदल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग बदल नहीं रहे हैं, लेकिन लोग इतना उसको सेलिब्रेट करेंगे ना 2-3 दिन के लिए, मैं कह नहीं सकता कि वो एक अलग फेस्टिवल हो जाएगा दोस्तों, अलग त्यौहार हो जाएगा. तू फैन नहीं, तू तूफान है. तो उसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, ये तूफान है. सो थम्स अप आपको पीने का मन है तो पीजिए, अगर नहीं पीने का मन है तो थम्स अप का ऐड देखिए. और साथ ही साथ बहुत गर्मी है दोस्तों, इधर तमिलनाडु में तो बहुत गर्मी है, आप सबको पता है. सो एन्जॉय द गर्मी, एन्जॉय योर सॉफ्ट ड्रिंक, एन्जॉय योर वाटर एंड एन्जॉय शाहरुख खान इन थम्स अप ऐड फॉर नाउ, क्योंकि ही इज गोइंग टू कम अप विथ पठान. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम और विल कम अप विथ मोर सच वीडियोज ऑन स्मॉल टॉपिक्स, बिग टॉपिक्स एंड वॉट एवर वी कुड. थैंक यू एंड होप यू हैव अ ग्रेट टाइम. सी यू सून. कीप रॉकिंग.